व्यूअर्स, वेलकम टू माय एएस कुकिंग व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी है व्यूअर्स वाइट लोबिया, जिसे वाइट बीन्स भी कहा जाता है। ये मेरे पास वाइट लोबिया थी 225 ग्राम, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है, ठीक है। नमक डाल के बॉईल कर चुकी हूँ। इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि मैंने इसे 2 से 3 घंटा पहले भिगो दिया था पानी के अंदर, ठीक है। भिगोने के बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह बॉईल किया जब तक कि ये बिल्कुल इस तरीके से गल नहीं गई, ठीक है। और ये मेरे पास है 3 स्मॉल साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और ये 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसे भी मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। और ये मेरे पास 2 स्मॉल साइज़ के आलू थे, जो मैंने लोबिया बॉईल होते हुए शामिल कर दिए थे, तो जल्दी निकाल लिए थे बिल्कुल नहीं गलाने से। ये देखें इसमें अभी भी कसर है, बिल्कुल नहीं गले हुए ये, ठीक है। ये मेरे पास है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, जिसे मैंने इस तरीके से मोटी मोटी काट ली हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है 1 कप कुकिंग ऑयल। और ये हमारे मसाले हैं, मसालों में है हमारे पास नमक हसब ज़रूरत, 1 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारे पास है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारे पास है कुटी हुई मिर्च पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून हमारे पास है काला नमक। काला नमक हसब ज़रूरत ही कह लें, जायके के लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, मौजूद हो तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये 1/2 टीस्पून हमारे पास अमचूर पाउडर है, ये इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि जब हम मसाला इसमें भूनेंगे और ये सब मसाले जब इसमें लोबिया के अंदर एक जान होंगे तो बहुत ही अच्छी खट्टी सी एक जो है करारी वो आएगी, एक टेक्सचर निकलेगा खट्टा सा। और ये हमारे पास है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो व्यूअर्स, हमने जो है चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल को हम होने देंगे अच्छे से गरम, ठीक है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। जी तो व्यूअर्स, प्याज हमारी हो चुकी है लाइट गोल्डन, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तरीके से टमाटर शामिल कर दिए हमने। अब बारी आ जाती है हमारे मसालों की, जो है कुकिंग हल्दी, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च पाउडर, और काला नमक, आमचूर पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी। तरीके से मसाला भून लेंगे अच्छा सा। देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इसकी, ठीक है। जी तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला तैयार हो चुका है, ठीक है। वो देखिए ज़बरदस्त सा भून चुका है हमारा मसाला, अब मैं इसमें शामिल करूँगी लोबिया। बिस्मिल्लाह, ठीक है।
इसलिए मैंने लोबिया ऐड कर दी है। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स लोबिया ऐड कर दी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हरी मिर्च, कटे हुए आलू, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप पानी, ठीक है, और इसे हम कवर करके छोड़ देंगे 10-15 मिनट्स कुक होने के लिए। जी तो व्यूअर्स तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब भुनाई की तरफ आ चुके हैं, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। तैयार है, इसे कर लेते हैं डिश आउट। जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा झटपट सा आलू लोबिया। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट में अपना कमेंट्स कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। इसके अलावा आपकी पसंद की कोई रेसिपी हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो रेसिपी भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।